Hello student, today's topic is the reactions of alcohols and phenols or the chemical properties of alcohol and phenols subchapter alcohol, phenols and ethers. And this year some part of the reaction is deleted and this is not going to discuss this year. The remaining part is like this. The first reaction is characteristic test for phenols, which is given only by phenols, not by alcohols. So this is the differentiation test for the alcohols and phenols, and that is the phenol or the OH, AROH, or like this we can write, when reacts with ferric chloride, which is neutral. This condition is important. Neutral ferric chloride, it gives deep color, and this deep color may be purple, violet or green. Or ye kiska hota hai? This is the ferric phenoxide. This is ferric and phenoxide molecule is formed. In this manner, this test is given only by phenols. Means if two different test tubes having alcohols and phenols, the phenols show the deep color and alcohols do not show the deep color. Means or do not show the color. Then second, distinguishing test for alcohols only, that is the Lucas test. How the primary, secondary and tertiary alcohols can be differentiated, this test is given by the Lucas reaction. And here only primary, secondary, tertiary alcohols and their test is given, but in examination application form of questions are asked. So how the questions can be asked? How will you differentiate? The name will be given, the name of primary alcohol, like ethyl alcohol or n-propyl alcohol, isopropyl alcohol is secondary and tertiary butyl alcohol is tertiary. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो आपको ऐसा लगेगा ये तो क्वेश्चन दिया ही हुआ नहीं है बुक में. तो ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं और आपको ये पता रहना चाहिए, यानी दो चीजें पता रहना चाहिए, ये टेस्ट और दूसरा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल किसे कहते हैं. तो इसमें एन प्रोपाइल अल्कोहल प्राइमरी हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी, उसके दूसरे नाम भी आ सकते हैं, इसे मैंने कॉमन नेम बताया, या फिर तीन डिफरेंट, ये तो एक आइसोमर हो गए, या डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स के एग्जांपल भी रह सकते हैं. क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, तो आपको नॉमिनक्लेचर अच्छे से पता रहना चाहिए. तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जनरल, बट इन एग्जामिनेशन डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड यू हैव टू मोल्ड दिस आंसर. ये तो आपको पता ही चाहिए और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ये आंसर को आपको उस फ्रेम में बिठाना पड़ता है. तो ये धीरे धीरे अपने आप आते जाता है. आप पहले अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी पढ़ाई कीजिए, तो अपने आप आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो ये सेकेंड टेस्ट है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, जिसे ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स कैन बी डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट. और ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं. तो एक साल ऐसे क्वेश्चन पूछा तो काफी सारे बच्चों को ये रिएक्शन मालूम थी, बट ये नहीं मालूम था कि ल्यूकास रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है. तो ये भी हमें पता चाहिए. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई भी अल्कोहल है उसमें क्या होता है, OH ग्रुप होता है. When Lucas reagent reacts with alcohol, क्या तैयार होता है, अल्किल क्लोराइड तैयार होता है. अब ये जो अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल, ये लैब टेस्ट है, क्लियर होता है. उसका अगर सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में लिया तो वो सॉल्यूशन कैसे दिखता है, क्लियर दिखता है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो. जब हम उसमें Lucas reagent ऐड करेंगे तो क्या होता है, अल्किल क्लोराइड जो होता है वो सोल्यूबल नहीं होता है ना. ये जो है अल्कोहल, ये अल्कोहल कैसे है, सोल्यूबल होता है इन वाटर, और ये क्या है, सोल्यूबल नहीं है, तो वो इनसोल्यूबल पार्ट रहता है. तो जो क्लियर सॉल्यूशन रहता है वो क्लियर सॉल्यूशन क्या होता है, टर्बिड बनता है. मींस इट इज नॉट क्लियर, टर्बिड है नहीं, जो क्लियर नहीं दिखता है, टर्बिडिटी उसमें दिखती है. तो ये टर्बिडिटी कितने समय के बाद तैयार होती है, अल्किल क्लोराइड टर्बिड है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी. अब मैंने ये जो कुछ बताया ये तो हम डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख रहे हैं, ये सिर्फ समझने की बात है, ये प्रैक्टिकल टेस्ट है, तो ये आप समझ लीजिए और अगर अच्छे से समझा तो हमें याद रहता है.
तो जो कि हमें लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि ये जो टर्बिडिटी है ये कितने समय के बाद आती है या तुरंत आती है उस पर डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी है। तो लिखने में तो बहुत ही थोड़ा लिखना है हमें। प्राइमरी अल्कोहल कैसे होते हैं, दे टर्न्स द रिएजेंट टर्बिड ओनली ऑन हीटिंग, यानी अगर हीटिंग की जरूरत पड़ती है तो वो क्या है, प्राइमरी। जैसे एन प्रोपाइल अल्कोहल है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल है या इथाइल अल्कोहल है, ये सब में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है CH2OH। तो ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि CH2OH यानी प्राइमरी, यानी प्रीवियस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हम न्यू नॉलेज को कनेक्ट करते जाते हैं। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पर्टिकुलरली 2-3 कंसेप्ट एक जगह होती है, तो हमें वो 2 या 3 कंसेप्ट पूरे मालूम रहना चाहिए। सेकेंड है सेकेंडरी अल्कोहल, दे टर्न्स रिएजेंट टर्बिड स्लोली, इसमें रिएक्शन कैसे होगी, स्लोली, यानी जैसे ही हम अल्कोहल के अंदर ल्यूकस रिएजेंट ऐड करेंगे तो हमें टर्बिडिटी नहीं दिखेंगी, थोड़ा समय जाएगा उसके बाद टर्बिडिटी दिखेगी। और टर्शियरी अल्कोहल स्केल्स है, दे रिएक्ट फास्ट, ये बहुत ही फास्ट रिएक्ट होते हैं, एंड रिएजेंट टर्न्स टर्बिड इंस्टेंटेनियसली, जैसे ही टर्शियरी अल्कोहल के अंदर ल्यूकस रिएजेंट डालते हैं तुरंत हमें टर्बिडिटी दिखती है। अगर तुरंत टर्बिडिटी दिखी तो हम क्या बोलेंगे, उसमें क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। अगर स्लोली दिखेंगी तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्बिडिटी दिख ही नहीं रही है, कुछ समय भी गया तो भी नहीं दिख रही, फिर हम उसे हीट करेंगे और हीट करने के बाद अगर टर्बिडिटी आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। इन दिस मैनर 3 अल्कोहल्स रिएक्ट डिफरेंटली, एक फास्ट है, एक स्लोली है ना, और एक कैसे है, ऑन हीटिंग है। तो इस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स है फिनोल्स। इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिख के दिया है, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एज फॉर एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, बट स्टेबिलिटी ऑफ आयन के लिए आप बुक को रेफर कर सकते हो, और आप सब पढ़ाई होने के बाद सेकेंड फेज में भी कर सकते हो, तो इसमें इतना ही मेंशन किया हुआ है मैंने। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में इन एक्वाइस मीडियम, अगर पानी में मीडियम हम लेते हैं तो फिनोल्स शो वीक एसिडिक कैरेक्टर, वीक एसिड है, एच का जो लिबरेशन है बहुत ही स्लोली होता है, और जो अल्कोहल्स है वो कैसे, इन एक्वाइस मीडियम अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, और अल्कोहल्स एक्वाइस मीडियम में कैसे बिहेव करते हैं, न्यूट्रल, नॉट एसिडिक नॉट बेसिक। और इसमें और कुछ प्रॉपर्टीज है, हमें ये 2-3 पार्ट में कंप्लीट करना पड़ेगा। इन दी नेक्स्ट वीडियो दी रिमेनिंग केमिकल रिएक्शंस विल बी डिस्कस्ड।